आगे बढ़ते हैं। रायपुर में मानसून एक्टिव है, लगातार बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और सबसे ज्यादा बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। छाया हमारे साथ बनी हुई है। छाया, आपसे जानना चाहेंगे कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा इस वक्त बारिश से प्रभावित हैं, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है बारिश का दौर पिछले दिनों देखने को मिला और अभी भी अगले तीन दिनों तक येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी है बारिश को लेकर के। आपको बता दूं सबसे कम वर्षा अब तक सरगुजा संभाग में हुई और उसके अलावा सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करूँ बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हुई और बस्तर संभाग के बीजापुर में कई दिनों तक रेड अलर्ट भी जारी रहा। तो इस तरीके की जो है बारिश का दौर जारी रहा और अब बारिश का कोटा तो पूरा हो चुका है छत्तीसगढ़ में। किसानों के लिए भी पर्याप्त बारिश यहाँ पर हो चुकी है क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है पिछले दिनों उसमें नदी नाले डैम पूरी तरीके से भरे हुए हैं और जो है खेतों में भी पानी अच्छी तरीके से लोगों को पर्याप्त पानी मिल गया। अब चूंकि यहाँ पर बारिश की भरपाई हो गई है, मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दूं 26 जुलाई तक प्रदेश में 506 mm बारिश हो चुकी है जो कि एक दिन पहले 487 mm थी जो कि अब 506.4 mm बताई जा रही है। तो औसत जो बारिश है 507.2 mm है और यानी कि 100% कोटा यहां पर पूरा हो चुका है बारिश का और 30 जुलाई तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अभी जारी रहने की संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया छाया जानकारी के लिए। तो बारिश का सिलसिला फिलहाल यूं ही जारी रहेगा।